जो सामने से एक बंदा मेरे को रश कर रहा है, एकदम खतरनाक प्रो प्लेयर है, पूरा गेम में दबदबा बना कर रखा है, एकदम भौकाल लेवल गेम प्ले दिखा रहा है। मेरे को तो डर भी लग रहा है भाई, एकदम डायरेक्ट रश कर रहा है। चलो यहाँ पे ग्लू बॉल डालते हैं, शायद एक बंदा पीछे आ चुका है, तो ये रहा, और इसको एकदम हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया। और बंदा भाई चढ़ चुका है, तो इसको नीचे जाकर शायद मार सकता हूँ। तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल सबके, कैसे हो सब। तो वापस आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो पे। बहुत दिनों के बाद YouTube में वीडियो डाल रहा हूँ यार, तो इसके लिए खेद है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर ही लेना। और देखो दिवाली का त्यौहार जो है काफी करीब आ चुका है, तो मेरे और मेरी फैमिली की तरफ सभी को हैप्पी दिवाली। और भाई पटाखा दबा कर फोड़ना, क्योंकि यार आपको पता ही होगा कि इसी दिन 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद भाई राम भगवान अपने घर लौटे थे, और इसी खुशी के उत्सव में भाई घर घर दिए जलाए जाते हैं और पटाखे तो भाई दबा के फोड़े जाते हैं। बाकी तो आप लोग खुद समझदार है, समझ गए होंगे। और बचा कुछ पटाखा भाई मेरे लिए भी लेके आना, क्योंकि यार 1 तारीख को बहुत ही काम आने वाला है, हमारे बीआर रैंक का सीजन जो चेंज हो रहा है ना यार, पटाखा रहेगा तभी ना भाई सामने वाले बंदे पे भी स्पोर्ट करेंगे। चलो तो अब गेम प्ले में फोकस करते हैं। तो देखा है तो भाई यहाँ पर मेरे पास अच्छा तगड़ा लूट हो चुका है, और एक बंदा तो शायद इस साइड में तो आया था, मेरे को लग रहा है सामने ही है, लेकिन भाई इस वाले बंदे को इग्नोर करते हैं और हम चलते हैं भाई रिमनाम साइड पे। मेरे पास देखा जाए तो एक लॉन्च पैड है, तो इसको यहाँ पे फिट करते हैं, उसके बाद सीधा डायरेक्ट उड़ के चले जाते हैं भाई रिमनाम पे। अब देखा 1 नवंबर को जो है हमारा सीजन चेंज होने वाला है, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा प्रॉपर प्रेस्टिक करना पड़ेगा, हाथ को एकदम सेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम अच्छे से गेम प्ले कर पाए। क्योंकि यार 1 तारीख को सीजन चेंज होगा, और उसमें इतना हार्ड लोबी आएगा ना कि बाबा सीर लेवल वाले बंदे आएंगे भाई, एकदम हेड हेड पे बात करेंगे। जबान संभाल के बात कर, नहीं तो। एक बात और यार, इस टाइम पे देखा है तो भाई गेम के जितने भी करेक्टर हैं भाई, उन करेक्टर को ग्रीन ने इतना ज्यादा बजा दिया, इतना बजा दिया है कि हम कंफ्यूज आ जाते हैं कि किस करेक्टर को कहाँ फिट करें कहाँ फिट नहीं करें। मेरे पीछे पड़ा हुआ है फर्नीचर फटीचर। तो यार इस चीज को भी लेकर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बहुत जल्द आप लोग को रिजल्ट दिखा दूंगा, एक वीडियो ला दूंगा प्रॉपर करेक्टर कॉम्बिनेशन के ऊपर। चलो साइज का सोनी एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन एक क्या है भाई इतना देर लगा रहा है, ग्लिच यार ग्लिच, बंदे को 2 हेड मारा फिर भी बंदा नहीं मारा। चलो इस पे मैं एफजीएल चलाता हूँ, अब शायद बंदा खुले में आए। तो चलो यार इसको तो यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास टोकन देखा है तो यार 2300 हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ सामने एक वार चेस्ट दिखाई दे रहा है, तो उसमें से जाके भाई एक तीर निकाल लूँ, अगर लॉन्ग रेंज में डाउन हो जाता हूँ तो भाई एक बार चांस रहेगा जिंदा होने का। चलो यार यहाँ पर तो फाइनली मेरे को सुई मिल चुका है, तो मैं सीधा जोन कवर करता हूँ। अभी फिलहाल इस टाइम पर देखा है तो यार उतना खास लोबी नहीं आ रहा है सर्वाइव वाला, बात सही है। मेरे को जहाँ तक लग रहा है यार कि सीजन एंड होने वाला है, तो सभी लोग रस करके खेल रहे हैं। चलो एक बंदा यहाँ पर सामने से जा रहा है, इसको तो यार मैंने एकदम हाव में लटका दिया। एक बात तो यहाँ पर मैं बोलूंगा यार कि सब गन स्किन का कमाल है, जितना ज्यादा रेट ऑफ फायर भाई उतना ही मजा गेम खेलने का। ये वाला बंदा जो था भाई एकदम मेरे को सॉफ्ट मारने वाला था, लेकिन मैं इसको देख गया तो बच गया। एक सेकंड पहले पेटी लूट लेते हैं। ये कुछ ज्यादा ही चालाक बंदा लग रहा है भाई। चलो इसको एक हिट तो लगा है, लेकिन भाई इसने क्या मेरे को तगड़ा स्प्रे किया। इसका तो यार गेम बजाना ही पड़ेगा, और इसको मैं एकदम शॉर्ट रेंज में ही मार सकता हूँ, तो मेरे पास एफजीएल है। चलो बंदा शायद वहां पे होगा तो छोड़ते हैं। चलाक तो है यार, लेकिन उतना भी चलाक नहीं, इसको आराम से मार सकता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट रेंज में ही जाया जाए और इसको फिनिश कर दिया ही जाए। एक सेकंड यार मेरे को ग्लूबल डालते हुए आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या पता डायरेक्ट हेड मार दे। सच में यार बंदा जो है काफी चलाक है। चलो इस पे एफजीएल डालते हैं, ये बंदा डैमेज हुआ है, चलो इस पे सीधा ही रश कर दिया जाए। मेरे को जहां तक लग रहा है कि बंदा जो है घर के अंदर ही आएगा, और शायद इस साइड आएगा तो इसको मार देंगे, लेकिन सामने के साइड अभी भी गया है, तो मेरे को शायद इस साइड से ही जाना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं शायद बंदा हो, लेकिन बंदा तो दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ यार, क्या पता बंदा जोन की तरफ जाए, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि जाएगा, और बंदा शायद अंदर ही होगा। तो यहाँ पर दिखाई तो बंदा मेरे को थोड़ा सा दिखाई दिया है, सामने साइड ही है। चलो इसको करेक्टर ब्लॉक करते हैं। बंदा जो था यार काफी प्रो था, लेकिन मेरे जैसे नूबड़े प्लेयर के सामने कहाँ टिकने वाला था। इसके पास 4 लेवल बेस्ट है यार, तो इसको उठा लेते हैं और सीधा जोन की तरफ निकलते हैं, क्योंकि जोन जो है वो काफी दूर बनने वाला है। मेरे को यहाँ पर तो यार आजू बाजू में गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रहा है, सामने तो मेरे को बाइक दिखाई दे रहा है यार, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो बाइक चलाने में बहुत खतरा हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोग एक बात नोटिस करो यार कि बंदे जो है जोन के साइड साइड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इससे तो मेरे को एक बात समझ आ गया यार कि सीजन एंड होता है तो बंदे सीधा रश करने के लिए जाते हैं, कोई सर्वाइव नहीं करता है। और अगर इस टाइम पे मैं किसी हीरोइक वाली आईडी में खेलूं तो भाई 2 से 3 दिन के अंदर आराम से मास्टर लगा लूंगा, क्योंकि यार देखा है तो बहुत ही कम फाइट कर रहा हूं और आराम से टॉप 10 कर ले रहा हूं, तो ऐसे माइनस होने का चांस तो बनता ही है। एक बंदा सामने से गाड़ी से जा रहा है, इसका गाड़ी को डैमेज, लेकिन बंदा यहाँ पे हॉर्न मार के भाई ऊपर भाग गया।
सच में यार देखा है तो काफी सन्नाटा है, बंदे दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलो ऊपर के साइड जाके देखते हैं, शायद यहाँ पे कोई बंदा दिखाई दे, लेकिन आजू बाजू तो कोई मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ? गाड़ी वाला बंदा तो राइट साइड में जा रहा है, शायद यहाँ पे फाइट हो सकता है। तो देखो यार फाइट हो चुका है। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे को लग रहा है यार कि घमासान फाइट हो रहा है, तो मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा। लेकिन बंदा तो नहीं दिखाई दे रहा, सामने ग्लूबल लगा है तो सामने हो सकता है। और ये रहा सामने ग्लूबल बंदा, तो भैया ले 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 ले, काफी गंदा डैमेज है। थोड़ा सा एचपी के लिए बचा है तो इसका ग्लूबल तोड़ते हैं। मेरे पास यहाँ पर ग्लूबल ब्रेक वाला ग्रेनेड है तो डाल दिया हूँ। अरे भाई 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 भाई, बंदा तो उछल के मार रहा है यार। ले पता है यार कि इसको मैं काफी गंदा डैमेज हो चुका हूँ, तो मेरे को ग्लूवर लगा के भाई सीधा मेडिकेट मारना चाहिए। लेकिन नहीं, अपुन ही प्रो प्लेयर है यार, सबको मार देगा। और ये कौन खेत का मूली है, इसको भी मार दूंगा। ओके तो अभी फिलहाल दिखाया चल, मेरे करके 8 बंदे हैं लाइव है और मैंने 4 किल तो कर लिया है। अब बंदे मेरे को यहाँ पे आजू बाजू दिखाई नहीं दे रहे, मतलब सब बंदे बीच में ही है। तो मेरे पास एक पोर्टल तो सामने वाले पत्थर पर लगा के मैं वहीं पे चला जाता हूँ। और देखकर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर ही लेना, और एक शेयर तो कर ही देना भाई। नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं भाई, लाइक सब्सक्राइब कर देना। एक बंदा तो यहाँ पर धूम थ्री स्टाइल से गाड़ी को जंप कराते हुए तो आ रहा है यार। ये तो वही बंदा है भाई जिसने गेम में पूरा आतंक मचा कर रखा है, और इसको तो मैं छोड़ने वाला नहीं। चलो ग्रेनेड डालते हैं, शायद बंदा फिर ग्रेनेड से फटे। लेकिन बंदा तो मेरे साइड ही आ रहा है भाई, तो इस पे एक ग्रेनेड आउट डालते हैं, शायद यहाँ फटे। शायद यहाँ पर मेरे को लग रहा है गाड़ी पकड़ेगा, तो गाड़ी पे ग्रेनेड डालते हैं। लेकिन बंदा गाड़ी नहीं चढ़ रहा है यार, मेरे तरफ ही आ रहा है। अरे भैया बचा लो कोई, यहाँ पे ग्लूवर डालते हैं। एक बंदा शायद अभी अभी गाड़ी देकर मेरे पीछे तो आया है, और ये सामने ही रहा मेरे पे रस कर रहा था। वो वाला बंदा कहाँ गया भाई, शायद नीचे हो सकता है, तो नीचे उतरते हैं। ये रहा, चलो भाई इसको भी अभी थोड़ी से रेड नंबर मार के मैंने फिनिश कर दिया। तो इस टाइम पर दिखाई तो दो बंदे अलाइव है, और मेरे को एक बंदा तो यहाँ पर दिखाई दिया यार, अभी अभी रेड डॉट तो आया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नीचे के साइड पर डेड बॉक्स लूट रहे थे, यहाँ पे शायद मेरे को ग्रेनेड मिल जाए, क्योंकि लास्ट जोन भाई ग्रेनेड बहुत ही काम आता है। चलो मेरे को यहाँ पर इस वाले डेड बॉक्स से 2 ग्रेनेड मिल चुका है, और मैंने एक बंदा तो नीचे के साइड मारा था, तो चलो उस वाले पेटी में देखते हैं, शायद वहाँ पे मेरे को ग्रेनेड मिल जाए। क्योंकि यार दिवाली आ रहा है और हम बम ब्लास्ट नहीं करेंगे तो क्या फायदा। अच्छा हमको सिखा रहा है, तो इस वाले पेटी में देखा है तो चलो 2 ग्रेनेड तो मिल गया, मतलब 4 ग्रेनेड हो चुका है मेरे पास। एक बंदा है पेड़ के नीचे, क्या कर रहा है भाई। चलो काफी गंदा डैमेज कर दिया हूँ, तो इस पे गाड़ी लेके सीधा घुस जाते हैं। एक सेकंड भाई, यहीं से इस वाले बंदे को दिवाली का पटाखा दे देते हैं। अरे भाई भाई भाई, भाई इस वाले बंदे को फ्री का पटाखा दे रहा हूँ, लेकिन भाग रहा है। हाँ? एक सेकंड भाई, इसको टीके पटाखा देते हैं। कोई फायदा नहीं हुआ भाई, इसको तो किसी और ने पटा लिया। रुक जाओ भाई, इस लास्ट वाले बंदे को तो मैं सीधा ही आलू बम दूंगा। लेकिन यार यहाँ से तो मेरे को नहीं दिखाई दे रहा कि बंदा है तो है कहाँ पे, तो चलो सामने से जाके देखते हैं, शायद बंदा दिखाई दे। पर यहाँ से भी मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, शायद हो सकता है बंदा पेड़ के पीछे या फिर पत्थर के ऊपर हो सकता है। अरे भाई यार कम फास्ट, जल्दी निकलो यार, तुम्हारे लिए 2 बम बचा के रखा हूँ मैं। ये बहुत ही खतरनाक बम है, एक बार फटता है तो पूरा कान सुन हो जाता है। हा? अरे कहाँ 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 मरता है, जल्दी लाओ बम। अरे हमसे नहीं रहा जा रहा, जल्दी लाओ। हेलो भाई, मेरे तरफ से छुछुड़िया पड़ाका फुश। अरे मेरे तरफ से लो भाई कांदा बम। अरे भाई यार मेरे पास बम खत्म हो गया, जल्दी लो अपना आलू बम। ठीक है भाई दे रहा हूँ, कैच करना कैच करना। ओके 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 जल्दी फेंको, और ले लो मेरा ठुचकी बम। ये कब बम था भाई। हाँ? एक और लो, एक और लो। पूरे मार क्यों भाई, कैसी लगी वीडियो यार। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा तो दिल से धन्यवाद। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेन देर टेक केयर, राधे राधे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हाँ भाई, हाँ भाई, हैप्पी दिवाली।